चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। लास्ट वीडियो में 130 तक क्वेश्चन देख चुके हैं, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक। जिन लोगों ने इसके पहले के वीडियोज नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, साख सृजन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी है देश की वास्तविक संपत्ति में वृद्धि, सी है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और डी है राष्ट्रीय ऋण में कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। मतलब साख सृजन की प्रक्रिया से या साख सृजन की प्रक्रिया का परिणाम मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 132, ट्रेटीज ऑफ मनी पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है सेलिगमैन, बी है केन्स, सी है क्राउथर, डी है किनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन्स ने। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ। तो ऑप्शन जो यहां दिया गया है ए है 1951, बी है 1955, सी है 1975 और डी है 1980। तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1975। क्वेश्चन नंबर 134, नगद शेष समीकरण से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है मार्शल, पीगू और फिशर, बी है मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन, सी है हिक्स, एलन और हैंसन और डी है एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो। तो नगद शेष समीकरण से संबंधित जो है वो है मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन। क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1960, बी है अगस्त 1955, सी है जुलाई 1955 और डी है जून 1955। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1955। क्वेश्चन नंबर 136, औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु कौन सी संस्था भारत में पहले स्थापित हुई। ऑप्शन ए है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी है भारतीय इकाई प्रन्यास, सी है राज्य वित्त निगम और डी है राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 137, कृषि क्षेत्र की दीर्घकालीन साख आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है राज्य सहकारी बैंक, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है केंद्रीय सहकारी बैंक और डी है भूमि विकास बैंक। तो कृषि क्षेत्र की दीर्घकालीन साख आवश्यकताओं के लिए भूमि विकास बैंक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 138, किस उद्देश्य के लिए तरलता पसंदगी है। ऑप्शन ए है लेन देन उद्देश्य, बी है सतर्कता उद्देश्य, सी है सट्टा उद्देश्य और डी है इनमें से सभी। मतलब सभी के लिए यहाँ पे तरलता पसंदगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 139, मुद्रा का मूल्य क्या है। ऑप्शन ए है वस्तु का मूल्य, बी है निर्देशांक, सी है मुद्रा की क्रय शक्ति, डी है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो मुद्रा का मूल्य जो है मुद्रा की क्रय शक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारत का बैंकिंग संघ, सी है मौद्रिक नीति समिति और डी है नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति समिति। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।